रिक्शा कर लेते हैं, रिक्शा कर लेते हैं, यही लग रहा है मेरे को। घूम चुके कहीं नहीं पता कहाँ हो रहा है, सिर्फ आवाज आ रही है। कि कौन पहले बोलेगा ब्लॉग में, वरना हम ना ऐसे कर रहे हैं। तू बोल, क्योंकि तू मुझे बोल। अपने मन्नी रोने गाने मन्नी रोना क्योंकि मन्नी रोना कर रहा है और बहुत दिन हो चुके हैं और हम मतलब बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाए, तो मन करता है ना कि बात कर लेते हैं तुमसे। मैं बताती हूँ, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं क्या? एक मेरे को बोलने थे तो हम जा रहे हैं आज JLN स्टेडियम। चल तो यहाँ पे दिल्ली में ना सबसे बड़ा फ्ली मार्केट होता है, तो वैसे मेरे को इनवाइट आया था ऑब्वियसली। तो मन्नी ने कहा कि मैं भी टैग अलोंग होऊंगा, मैंने कहा ठीक है ओके, तुम्हारी बदौलत मुझे भी इनवाइट आया करेंगे, कोई नहीं टेंशन मत। वैसे किसी ने नोटिस किया मास्क हट गए हैं यहाँ पे? हाँ, और हम आ चुके हैं अपने प्लेन में क्योंकि पेट्रोल का दाम हो चुका है ऊपर ऊपर से भी ऊपर। चिन्ना सा डलवा के चलो चलते घूमने। आ गए सुनार की दुकान पर, चलो मेरे। छोड़ा मत मुझे, ये देख इतने से कोने में इतनी सारी धूप आ रही है। बेचारा बंटी। बस इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, इससे आगे बहुत तगड़ी धूप। हाँ, लग रहा है मैं इस टाइम निकलना चाहिए था। हाँ, इस टाइम घर से निकलना चाहिए था और इससे मैंने बोला भी था। अब झेलो, मचे ही मचे। जब बाहर जाते हो ना दिल्ली से, तब मैं ये झेल लेता हूँ सब कुछ, लेकिन दिल्ली में पता ये बात। दिल्ली में रहते हुए, अपने घर के पास रहते हुए कहीं जाना पड़ जाए ना तो ऐसी हालत होती है, ऐसा लगता है घर पे क्यों नहीं बैठे हुए। कंप्लेनिंग स्टार्ट। दादाजी के साथ आए हम गाइस घूमी करने। रिक्शा कर लेते हैं यही लग रहा है मेरे को। घूम चुके कहीं नहीं पता कहाँ हो रहा है, सिर्फ आवाज आ रही है। सोनिया घर के साथ आने का ये फायदा है कि हमें मिलेगी VIP टिकट, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओहो, सोनिया घर की बदौलत इतनी धूप झेलनी पड़ रही है मेरे को, और कुछ ही नहीं मिल रहा है। अब तो छाव है, ओ धूप आ गई, अब तो छाव है। अगर इन्होंने बोला ना कि अपना फोन और माइक हटा दो यहाँ पे, तो हम वापस चलने वाले। हम फिर बाहर कुछ खा लेंगे मस्त। ऐसा नहीं होगा, वैसे मैंने पूछ लिया था ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, तुम लेके आ सकते हो। फोटो वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं टेंट में। कोई नहीं, बाद में खिंचवाएंगे हम जब सब कुछ उखड़ जाएगा। हम कैश नहीं लेकर आए और यहाँ नेटवर्क नहीं है, लाइक लिटरली नेटवर्क नहीं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे दोस्त, कुछ नहीं कर पा रहे यार। हमने फाइनली जुगाड़ किया, हमारे लिए पेटीएम कर दो, किसी को बोला हमने और हमें खाना मिल गया। खाने का कीचड़ बना रही है, घर की आदत गई नहीं। नॉर्मल खाना था वो, तो मिक्स करके अच्छा लगेगा, मैं बता दूँ। राजमा चावल बना दिए। खाना छोड़ना अच्छा नहीं लगता मेरे को, लेकिन जब कोई मिलता है तो मज़ा आता है। अब मज़ा आ रहा है थोड़ा बहुत, कोई खा लिया है। खा लिया ना, अब बात करने की हिम्मत हो रही है, क्योंकि हम कुछ खा के नहीं आए थे ये सोच के कि यहाँ खाएंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ना पेटीएम कर सकते ना कुछ कर सकते, कैश हम लेके नहीं आए क्योंकि हम बहुत ही बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि हमारे पास कैश होता नहीं है। या कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सबने एक एक अनसब्सक्राइब कर दिया। भैया ने हमें जैसा ही बताया कि 40 पेटी पानी खत्म एक घंटे में यहाँ पे। गॉड, 500 बोतलें एक घंटे में, पता भी था तेरे को, सिर्फ एक स्टॉल पे। और अभी तो कितने सारे स्टॉल हैं। खाना
खाना मिल गया। बंद हो जा। अब चैन आया, वो फिर चल गया। जल्दी से खाना खा के चलो। ये क्या है? ये है कोरियन थाई करी। कोरियन थाई, ओ सॉरी यार, बताओ थाई करी राइस। और ये है ड्रम्स ऑफ हेवन, है ना? कोरियन ड्रम। हम जा रहे हैं घर को। हो गया हमारा, ये हमारा टाइम है सोने का। जब लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं और हम सोने जा रहे हैं। चलो चले घर। Oh, और कुछ खाते हैं, यहाँ पे बहुत महंगा था। नहीं, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है यार, नेट ही नहीं है। और अच्छा, नो कैश। अच्छा है नेट। गुड नाइट। हम दिख भी नहीं रहेंगे अब शायद। अब दिख भी नहीं रहे। चलो ठीक है, अब तो चले जाओ। बाय बाय। नए जूतों ने बहुत मारा मुझे, अब नंगे पैर जाऊंगा मैं। आओ चले अपनी गाड़ी की तरफ।